एग्जिस्टेंस के बारे में आपको मेडिकल की किताबें पढ़ने को मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बाकी आप पुस्तक में पढ़ेंगे अपने से तो अच्छा होगा। तो वो ये है कि हमारे शरीर में कई इंडोक्राइनल हार्मोन सीक्रेशन ग्लैंड होती हैं और उन वो छोटी छोटी जो ग्लैंड्स हैं, उदाहरण के लिए जैसे एक आपको जो बहुत कॉमन ग्लैंड जिससे जिसको जिसके चलते डायबिटीज होती है, पेंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड होती है, उससे पेंक्रियाटिक हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन का कम बनना वो डायबिटीज में लो शुगर के लेवल, आपका शुगर लेवल ब्लड में लो हो जाएगा, और अगर वो हार्मोन ज्यादा बनता है तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से यानी वो पेंक्रिया की में जो हार्मोन निकल रहा है, इसी तरह से एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है दूसरी थायराइड, ये कॉमन लेडीज में बहुत कॉमन होती है। यहां पर दो ग्लैंड है, एक थायराइड और एक पैराथायराइड, और ये दोनों श्वास नली के अगल बगल में, नीचे में थायराइड है उसके ऊपर पैराथायराइड है, इनसे भी हार्मोन्स निकलते हैं। यानी इसी तरह से आपको सेक्स के लिए भी हार्मोन्स जो हैं वो भी निकलते हैं। यानी ये डिफरेंट ग्लैंड्स जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स इनको बोलते हैं, उनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हार्मोन्स हमारे शरीर के फंक्शनिंग में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इंडिविजुअल फंक्शन के लिए तो अलग अलग ग्लैंड शरीर में स्थापित हैं, वो अपना काम करती हैं, उसमें कमी आने पर उसके लिए आपको डॉक्टर लोग सप्लीमेंट करते हैं। वो हार्मोन अगर कम बन रहा है तो उसको एक्स्ट्रा गोली के थ्रू आपको हार्मोन खिलाते हैं, और अगर ज्यादा बन रहा है कोई हार्मोन तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा हार्मोन खिलाते हैं, जिससे उसका सीक्रेट लेवल थोड़ा कम हो जाए ब्लड में। लेकिन पिट्यूटरी एक ऐसी ग्लैंड है, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये विशेष है और ये एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉलम एस्टेब्लिश्ड है, और वो पॉइंट जो है वो ठीक भ्रूमध्य से हॉरिजेंटली पीछे है। भ्रूमध्य में आपने देखा होगा भगवद गीता में, भ्रूमध्य पर ध्यान देने के लिए बराबर योग में आपको पढ़ने को मिले कि कंसंट्रेट योर माइंड एट योर आईब्रो सेंटर, ये जो पॉइंट है। और हमारे यहाँ बिंदी या टीका लगाने की पद्धति भी जो हिंदुस्तान में शुरू की गई है, उसके पीछे भी शायद लोगों का यही होगा कि इस पॉइंट के प्रति आप अवेयर रहें कि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी, इसलिए आप अपने मन को यहाँ जब कंसंट्रेट करते हैं तो इसका मतलब है सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटेड हो जाती है। जितनी देर आप भ्रूमध्य में अपने मन को फोकस रखेंगे उतनी देर तक पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आपका फोकस ट्रांसफर हो जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, वो जितने शरीर में बाकी ग्लैंड हार्मोन बनाती है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिट्यूटरी सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। यानी अगर आप पिट्यूटरी को मैनेज कर लेते हैं तो बाकी सारी जो सीक्रेशंस हार्मोन्स के बॉडी में हो रहे हैं उनको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो योगियों के स्वास्थ्य का एक रहस्य ये भी है कि भ्रूमध्य पर ध्यान और उसके चलते पिट्यूटरी को आप, उससे निकलने वाले सीक्रेशंस को आप रेगुलेट कर सकते हैं, और उसके चलते आपके सारे हार्मोन बैलेंसिंग आपके पूरे शरीर में हो जाएगी। अब एक और ग्लैंड होती है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, कोई विशेष उसमें चर्चा करने की अभी हमें जरूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि ये चर्चा हो रही है पिट्यूटरी की, तो ठीक पिट्यूटरी के ऊपर एक छोटी सी, बहुत छोटी ग्लैंड एक होती है, छोटे मटर के दाने के बराबर, उसको कहते हैं पीनियल। इसके बारे में
किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन योगियों को मालूम हुआ कि ये ग्लैंड जो है वो बच्चों में एक्टिवेटेड रहती है, और ये पीनियल ग्लैंड जो है आपके कहना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यानी सुपर क्वालिटी आपके पर्सनैलिटी में डेवलप हो सके। और कहते हैं ये जो हमारा ब्रेन का फ्रंटल पोर्शन है, ये साइलेंट ब्रेन कहा जाता है, इस फ्रंटल पोर्शन ऑफ द ब्रेन में बहुत संभावनाएं हैं, मेनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट हियर इफ यू कैन एक्टिवेट योर फ्रंटल ब्रेन। और फ्रंटल ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए पीनियल ग्लैंड की साधना की जाती है, उसको करने से आप जो नॉर्मल आपकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जो कुछ भी आप दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप उस क्षेत्र में प्रवेश, ज्ञान के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो कि इंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है। और इसके बारे में उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि बच्चों में ये एक्टिवेटेड रहती है, और पुराने समय में ये नियम था कि लड़का और लड़की दोनों को, बाद में लड़कियों के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि धीरे धीरे लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत समाज में लाए गए, लेकिन पूर्व काल में 8 से 10 वर्ष की उम्र में लड़कों के लिए अभी कोई कोई किसी किसी समाज में उपनयन संस्कार की प्रथा चल, लेकिन आम तौर से वो नहीं है, वो छूट गई है, या जहां कहीं होता भी है तो वो खाना पूरी हो रही है, उसमें कोई प्रॉपर सिस्टम को किसी को फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया कि इसमें पुराने समय में 8-10 वर्ष की उम्र से वो डिके होना शुरू, नेचुरल डिके हो जाती थी पीनियल, और 13-14-15 साल तक जाते जाते इट बिकम्स कंप्लीटली इनइफेक्टिव। उसके लिए प्रोविजन था, रखा गया था कि 8 से 10 वर्ष की उम्र में हर बच्चे को 3 साधनाएं सिखाई जाती थी। सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ, एट द एज ऑफ 8 to 10 इस पीरियड में जो उपनयन संस्कार होता था उसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी, तो उस दिन से बच्चे को रोज गायत्री मंत्र का पाठ करने के लिए कहा जाता था। दूसरा, आसनों में सूर्य नमस्कार, ये समूह है आसनों का, एक राउंड सूर्य नमस्कार करने में 24 आसन होते हैं। आप आसन प्राणायाम मुद्रा बंद किताब पढ़ेंगे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो यानी सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट आसनों का एक समूह है, तो उस तरह से सूर्य नमस्कार का आसनों के अभ्यास के रूप में अभ्यास, और तीसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, ये 3 साधनाएं बच्चों को पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेटेड बनाए रखने के लिए कराया जाता था। तो आप लोगों के अगर बच्चे उस उम्र के हैं तो इसके लिए जानकार लोगों को थोड़ा पता करिए, इस प्रथा को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। आपकी हमारी उम्र तो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी ये साधनाएं तीनों आप इस उम्र में भी करेंगे तो अच्छा है। पीनियल भले आपकी एक्टिवेटेड नहीं हो लेकिन बाकी सिस्टम आपके सब टोंड हो जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम और गायत्री मंत्र, ये 3 साधनाएं बच्चों के लिए, खास तौर से घर में बच्चे हैं उनके लिए कम से कम गायत्री मंत्र से शुरुआत कर दीजिए। आज सोमवार है, कल से करिए, कोशिश कीजिए कि गायत्री मंत्र बच्चे पढ़ना शुरू करें। तो इस तरह से पीनियल ग्लैंड के बारे में आपको बताया। अब मैं अपने मूल विषय पर प्राणायाम से संबंधित जो बता रहा था कि मूल बंध एक बंध है
वो नाड़ी शोधन प्राणायाम में प्रयोग में, जैसे ही नाड़ी शोधन प्राणायाम आरंभ करते हैं, हमको मूल बंध, अगर सिद्धासन वो आप पुस्तक में देखिए, सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो उसमें कोशिश कीजिए, नहीं हो सकता है तो एक शॉर्टकट उसमें आपको बताता हूं, आप हार्ड रबर की एक छोटी सी बॉल, थोड़ा सा हार्ड हो, बहुत सॉफ्ट नहीं, स्पॉन्जी ज्यादा नहीं हो, थोड़ी थोड़ी दबती हो, उस बॉल को आप जो मैंने स्थान बताया टेस्टिकल्स और एनस के बीच में, उस बॉल को वहां कंबल के ऊपर और अपने शरीर के बीच में रख लीजिए, वो बॉल के प्रेशर से इनडायरेक्टली सम प्रेशर विल बी ब्रॉट अबाउट ऑन मूल बंध, और वो दबा के रखने पर आप देखेंगे कि योर मेंटल इक्विलिब्रियम इज अटेंड बेटर, मन आपका भागना इधर उधर बंद कर देता है। वो मूल बंध की खूबी ये है कि अगर मूल बंध आपने लगाया देन माइंड के फ्लक्चुएशंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से मूल बंध जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के आरंभ में इसको लगा ले, पोजीशन उसकी फिक्स है, उसमें कुछ करना नहीं है, आप उसको लगा लीजिए। अगर सिद्धासन करेंगे तो आपकी एड़ी से, एड़ी को उसी स्थान पर रखा जाता है, एक एड़ी को, उससे प्रेशर जो जनरेट होता है उससे मूल बंध लग जाता है। और अगर आप सिद्धासन लगा, वो एडवांस आसन है, मुश्किल होगा, तो आप इस तरह से एक बॉल या कॉटन, कोई पुराना कपड़ा लेके उसको अच्छे से थोड़ा कड़ा कड़ा मोड़ के गोल बना लीजिए और उसको रख लीजिए नीचे में, तो उससे इनडायरेक्टली मूल बंध के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। तो ये मूल बंध एक हुआ जो नाड़ी शोधन प्राणायाम के पूरे अभ्यास के दौरान आपको लगाना चाहिए। दूसरा है, जब आप श्वास को अंदर रोकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आज कि अंतर कुंभक जब आप करते हैं तो श्वास आपने ली, तो श्वास लेने के समय सिर सीधा है, ये हाथ यहाँ है आपका, दाया छेद अंगूठे से, दाएं अंगूठे से बंद कर रखा है दाएं छेद को, धीमी गहरी आराम से श्वास लेंगे बाएं से, और श्वास जब पूरी हो जाए अंदर उसके बाद श्वास को रोक देंगे और सिर को इस तरह से ठुड्डी से कॉलर बोन को दबाएंगे, ये जालन बंद लगता है इस तरह, और कंफर्टेबली जितना आप श्वास रोक सकते हैं उतनी देर तक, शुरू में आपको थोड़ा सा गिनती पर उतना ध्यान, शुरू में यूं ही रैंडम रोक के देखिए कितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं मन में गिनती गिनते हुए, जितना कंफर्टेबली रोक सकें, अगर 5 की गिनती मेंटेन हो जाती है तो नथिंग लाइक इट। तो यहां से श्वास ली, एक मैं बोल के समझा रहा हूं, केवल बोलना नहीं है आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर बाएं को बंद किया, दाया खोला, सिर ऊपर उठाया, फिर दाएं से छोड़ा, 1 2 3 4 5, फिर दाएं से लेना, 1 2 3 4 5, छुट्टी से कॉलर बोन को दबाया, वहां अंतर रोकी, 1 दोनों नथने बंद, 1 2 3 4 5, फिर सिर ऊपर, बाया नथना खोला और फिर बाएं से गिनती गिनते हुए श्वास। ये अगली बार कीजिएगा, ये आपको मैंने सिर्फ आज समझाने के लिए इस प्रोसेस को बताया। तो इस तरह से ये हुआ अंतर कुंभक, जालंधर बंद और मूल बंद के साथ, कि उससे जो बहुत आगे की स्टेज है बहिर कुंभक, उसमें क्या होता है कि आपने यहां से श्वास ली, अंदर रोकी,
यहां से छोड़ दी, जो फेफड़े आपके खाली हो गए उसके बाद श्वास रोकना है, और उसमें तीसरा बंद लगता है, उसको कहते हैं उड्डयन। उसकी चर्चा बाद में, क्योंकि अभी सिखाने में नहीं जा रहा हूं, उसमें समय लगेगा, वो बहुत आगे की प्रैक्टिस है। लेकिन आपको आपको खाका बताया, नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है उसको आप थोड़ा सा कम से कम बुद्धि से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत एडवांस प्रैक्टिस है एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन एवरी मैनर। ये जबरदस्त अभ्यास है, अगर ठीक से इसकी साधना कर लें तो आपको किसी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट प्रॉब्ली थिंग्स कैन गो सो इजी, आपको लगेगा कि जिंदगी कितनी बढ़िया हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और शरीर तो आपका एकदम वज्र बन जाएगा। वो कहा, पुराणों में कहानियां आती हैं, उनका शरीर वज्र की तरह था, किसी कौन से शरीर ददीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया था राक्षसों का वध करने के लिए। यानी हड्डियों में भी, उनके साधना के बल पर उनकी हड्डियों में इतनी ताकत आ गई, वो वज्र बन गए। तो ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना दूर दूर तक है। लेकिन आप उन सब के बारे में न भी सोचें, मेन योग का जो उद्देश्य है वो है शरीर आपका निरोगी हो, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरे, शरीर से जो भी काम आप करना चाहते हैं या आपको करने पड़ सकते हैं वो सुविधा पूर्वक विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने शरीर से उन सारे कार्यों को आप कर सकें, ये सभी चाहते हैं, आप भी, आप में से सब चाहते होंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके पर्सनैलिटी का केंद्र बिंदु, आपका मन। मन को और मन के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं आज, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट कुछ डाल दे रहा हूं। दूसरे, मैंने जो लिखा है उन सबको उन पोस्ट को पढ़िए आप, और अगले सेशन में आप सवाल पूछिए उससे जुड़े अगर आपके मन में कुछ है। तो इस तरह से अगर आप इस पूरी व्यवस्था को लेकर, कंसेप्ट को लेकर आगे चलेंगे, थिंग्स विल बी वंडरफुल सिंपली फॉर एवरीवन। एनी क्वेश्चंस? स्वामी जी, एक प्रश्न है हमारे मन में, जो विलोम विलोम हम लोग करते हैं, तो उसमें कहीं हमने पढ़ा था कि 10 साइकिल के बाद में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, फिर अगला 10 साइकिल करना चाहिए, तो वो सही है या लगातार हम लोग 15-25 कर सकते हैं? नहीं, मैंने अभी आपको क्या कहा, शुरू कीजिए 5 से जी, और धीरे धीरे आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। वो एकदम कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है अपने से, यू हैव टू स्लोली, आपकी जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी लिमिटेशंस को धीरे धीरे उनकी बाउंड्री बढ़ाइए। नहीं, वो सही है स्वामी जी, मान लिया कि हम 5 से करते करते 25 तक पहुंच गए, तो क्या लगातार 25? लेकिन मेन चीज जो है, नहीं, जो मेन है द वे यू डू इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लगातार 25 साइकिल करना क्या उचित है या 10 साइकिल के बाद में ब्रेक? क्वेश्चन मैं उसके बारे में है कि आप धीरे धीरे बढ़ाइए, गिनती भी जो टाइम में आपको बताया 5 सेकंड से शुरू कीजिए, ठीक है, इसको भी धीरे धीरे बढ़ाना है। 5 सेकंड में ही नहीं, उसको भी आप 5 से 6 कीजिए, कुछ दिन के बाद में उसको फिर 7 कीजिए। 7 भी फॉर नॉर्मल प्रैक्टिशनर, अगर आपका उद्देश्य बहुत आगे कुछ कमाल दिखाने का नहीं है तो 7 सेकेंड्स इज ए गुड टाइम, यस, फॉर मोर नॉर्मल प्रैक्टिशनर। आप जाना चाहें तो आप 7 से आगे भी 8, 9, 10 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 7 इज गुड एनफ। उसके बाद आपको गिनती नहीं बढ़ानी है,
लेकिन राउंड में भी आपको 5 से शुरू कीजिए, फिर 7 राउंड कीजिए, फिर 10 राउंड कीजिए। 10 राउंड इज ए गुड नंबर फॉर नॉर्मल प्रैक्टिशनर, प्रोवाइडेड यू डू द प्रैक्टिस प्रॉपरली, जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सही ढंग से फॉलो करते हुए, एब्सोल्युटली एफर्टलेस ब्रीदिंग के साथ। अगर आप प्रैक्टिस 10 राउंड सुबह और उसको आप दो टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, 10 राउंड सवेरे कीजिए, 10 राउंड शाम के समय कर लीजिए। जो नौकरी करते हैं, शाम को घर आने के बाद में हाथ पैर थोड़ा धो के, अगर गर्मी के समय आप नहाना चाहते हैं तो नहा लीजिए, नहीं तो हाथ मुंह धो के और पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए 10 राउंड। स्वामी जी एक और मेरा इसी के संबंधित प्रश्न है मेरे मन में कि जो हम लोग बोलते हैं कि जो रेशियो है पूरक और रेचक का 1:2 होना चाहिए, तो क्या अनुलोम विलोम करने में उस रेशियो को हम लोग फॉलो कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो आपको मैंने बताया ये शुरू में नहीं। हाँ, अगेन, हाँ, हाँ, शुरू में 1:1। ओके, अभी तो अभी जो आपको बता रहे हैं इट इज 1:1 ओनली, क्योंकि इसमें मेनली अभी आपको अपने सिस्टम को ट्रेन करना है, बॉडी को जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, फेफड़ों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, इसलिए आपको एक नॉस्ट्रिल से श्वास लेना, एक से छोड़ना, ये आपने कभी किया नहीं। सो वंस यू आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड यू हैव टू प्रोसीड स्लोली स्लोली, धीरे धीरे करिए। पहले 1:1 में कीजिए, फिर 1:1.5 के रेशियो में जाइए और फिर 1:2 के रेशियो में जाइए। जी क्लियर हो गया। 1:2 का रेशियो जो है फॉर नॉर्मल पर्संस इट इज अपर लिमिट, इसके आगे आपको इस रेशियो को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास में आगे जो बढ़ने की प्रक्रिया, अगर आपने मान लीजिए 7 की गिनती मैंने आपको बताया ना, अच्छा है, तो 7 की गिनती सांस पूरक लिया और 7 की गिनती गिनते हुए अंदर श्वास रोकी और 14 की गिनती गिनते हुए आपने रेचक किया, श्वास छोड़ी, इसको आपको रेशियो को पूरक और रेचक के रेशियो को 1:2 ही फिक्स रखना है, लेकिन अंतर कुंभक 7:7:14 जो अभी है उसको आप 7:14:14 कर सकते हैं। उसके बाद में 7:21:14, उसके बाद 7:28:14, मतलब वहां है इसको बढ़ाने का। और पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है कि कुंभक दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ ब्रेथ इज द बेस ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं जस्ट शेयरिंग विद यू। ये योगियों ने साइंटिस्ट के साथ हमारे गुरुजी ने खास तौर पर चर्चा करके नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास भी मैंने लिखा है उसमें राइटअप में, आप लोग पढ़ लीजिए उसमें, ये पहली बार एज ए प्रैक्टिस फॉर कॉमन पीपल पहली बार हमारे गुरुजी स्वामी सत्यानंद जी ने इस प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके पहले कोई नहीं जानता था ये प्राणायाम, मतलब कुछ अपने तरीके से कोई कंसेप्ट बना के चल रहे थे लोग। तो फर्स्ट टाइम एज ए प्रैक्टिस दिस हैज बीन टॉट बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती। योग निद्रा का आप लोग नाम सुनते होंगे, वो योग निद्रा का जो अभ्यास है 100% इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी सत्यानंद सरस्वती। बिफोर हिम नोबडी न्यू दिस टर्म, दिस टर्म वॉज इन्वेंटेड बाय हिम, द प्रैक्टिस वॉज डेवलप्ड एंड इन्वेंटेड बाय हिम, एंड आज योग निद्रा सारी दुनिया में प्रचलित है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्वेश्चन इज आप अपनी, और दूसरे आप एक और चीज जो आपको समझ में रखनी है कि आपको क्यों कर रहे हैं,
कहां तक आपको जाना है, ये आपका एक ओवरव्यू रहना चाहिए, व्हाट फॉर यू आर डूइंग इट। अगर आपको किसी कंपटीशन में भाग लेना है, जैसा स्पोर्ट्स में होता है, बाकी सब चीजों में होता है, इवेंट्स में, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, उसमें सारे रूल्स आपको, नियम को आगे जाके करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। तो इसलिए आप नॉर्मल तरीके से सीखेंगे उसमें काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको योगा के कंपटीशन में भाग नहीं लेना है तो बहुत ज्यादा हाई टारगेट अपने सामने रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका एक और बताऊं, अगर आप योग में बहुत अंदर घुस जाएंगे तो फिर ये घर द्वार परिवार इससे आपको विरक्ति होने लगेगी, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। तब तो स्वामी जी बहुत घातक है, विरक्ति हो जाएगा। नहीं देखिए, घातक है, लेकिन मैंने बताया आपको शुरू में कि रिटायरमेंट मेरा 31 मार्च 1994 को हुआ और मैंने गेरू पहन लिया 18वें दिन 18 अप्रैल को मैंने संन्यास में दीक्षा ले ली। लेकिन हमारे गुरुजी कुछ एक अलग ढंग से चल रहे हैं चीजों को, लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे गृहस्थों को व्यवस्था की, बोले तुम संन्यास पूरी तरह नहीं ले सकते हो, लेकिन संन्यास का जीवन तो जी ही सकते हो, कम से कम कुछ समय तो जी के देखो क्या होता है। और 27 साल हो चुके हैं हम गेरू पहनते हुए, हम घर में सिर्फ गेरू पहनते हैं 24 घंटे, आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है। चलिए, इसका भी असर पड़ता है, लेकिन ये आपको एक अपने लिए एक टारगेट बना के रखना है, किस लिए आप और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ये कंपटीशन के लिए नहीं है, दूसरे को ऊपर अपना रौब दिखाने के लिए नहीं है, या और किसी चीज के लिए आप नहीं कर रहे हैं, ये टोटली इट इज योर मेंट फॉर योर इनर डेवलपमेंट। आपका जो पोटेंशियल है ऑलराउंड बढ़े, एनहांसमेंट हो पोटेंशियल का, आप जो चाहें वो कर सकें, ये क्षमता आप में पैदा हो, इसके लिए योग है। समय हाँ, हम लोग चलते चलते कुछ हो, एक आध प्रश्न हो तो बोलिए, किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया आप बेझिझक बोलें। ये पुस्तक जरूर मंगाइए आप। सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए सर, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि मैं 20-22 साल से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये जो अभी आपने समझाया है 5 सेकेंड्स इनहेल, फिर 5 सेकेंड्स होल्ड, फिर 5 सेकेंड्स को एक्सहेल करने का, वो चीज हम लगभग 2 साल से कर रहे हैं। ये जालंधर बंद जो है ये भी गर्दन से संबंधित है, तो ये भी इसको करने से भी आपको सीधा फायदा मिल सकता है। हाँ सर, तो संभावना है, संभावना है। ये जो 5-5-5 है, ये इसको आप धीरे धीरे बढ़ाइए। पांच को कुछ दिन बाद 6 कीजिए, 6 के कुछ दिन बाद में 7 कीजिए, आप उसको 7 तक आराम से ले जा सकते हैं। और अगर आप बोल रहा हूं, अगर परेशानी होती है तो लोअर नंबर पर फिर वापस आ जाइए, बिकॉज यू डोंट हैव टू ओवरडू थिंग्स, आपका शरीर साथ जितना दे उतना आगे जाइए। सर मैं इस तरह से करेंगे आपको फायदा होना चाहिए। जी सर, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि 7-7-7 हमारा बहुत आराम से हो जाता है, तो क्या अभी आपने जो कहा 7-14-14 नहीं 7 अभी, हाँ इसको 7, बल्कि
अंतर कुंभक शुरू करने के पहले आपको 7 और 14 पूरक और रेचक ये रेशियो में आपको अपने को एस्टेब्लिश करना है। 7 इन पूरक 14 रेचक इसको पहले कर लीजिए, उसके बाद अंतर कुंभक जोड़िए और फिर अंतर कुंभक को बढ़ाना है 7, 7, 14, 7, 14, 14, 7, 21, 14, 7, 28, 14 ये नॉर्मल प्रैक्टिशनर के लिए दिस इज द अपर लिमिट। लेकिन आप उसके आगे भी जाना चाहें तो कोई रोक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इज व्हाई दिस। अगर आप 7, 28, 14 कर लेते हैं दिस इज एनफ, उसके राउंड बढ़ाइए फिर आगे और बढ़ाने के बजाय आप उसके राउंड 10 राउंड जैसे मैंने बनाया 10 सवेरे और 10 शाम को और उसको आप नियमित रूप से करिए। मेन चीज है रेगुलरिटी भी होनी चाहिए आपके प्रैक्टिस में कि 2 दिन किया और उसके बाद में आपने उसके बाद में छोड़ दिया 1 हफ्ते फिर नहीं किया उससे भी कुछ काम नहीं बनेगा। सो रेगुलरिटी ऑफ द प्रैक्टिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और उसको ज्यादा करने का मन है तो सुबह और शाम दोनों टाइम में डिवाइड कीजिए प्रैक्टिस को, सुबह भी कीजिए शाम को भी कीजिए, एक टाइम में ज्यादा नहीं करने की सलाह हम लोग देते हैं। मतलब आपको अपने को एग्जॉस्ट नहीं करना है। एक प्रश्न मेरा है तो कि 10 राउंड इज गुड स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा है कि मैं तो काफी दिनों से कर रहा हूँ प्राणायाम लेकिन आप ये नाड़ी शोधन के हिसाब से अभी शुरू किया मैंने तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 1:1 पूरक रेचक जो है उसमें कंफर्टेबल हूँ, 1:2 जो पूरक रेचक है उसमें भी मैं कंफर्टेबल ही हूँ, तो क्या डायरेक्ट जंप कर जाऊं 1:2 पर? नहीं जंप मत, मैंने बताया प्रैक्टिस करिए जी कम से कम हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1:2 रेशियो में पहले प्रैक्टिस कर ली 10 राउंड शाम, उसके बाद फिर अंतर कुंभक एक एक स्टेज में जोड़ दी। अंतर कुंभक तो 3rd स्टेज हो गया, उसके पहले 1:2 वाला परफेक्शन में ला दें, 1:2 वाला परफेक्ट कर लें तो उसके लिए स्टेज 1 जो बताया हुआ किताब में उसको छोड़ देता हूं मैं, डायरेक्ट चला जाता हूं 2 पर, ये संभव है? मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या जो मतलब बताया 5 सेकंड वो ना करके 5 सेकंड और 10 सेकंड में आराम से कर लेता हूँ, 5 सेकंड पूरा 10 सेकंड रेचक तो ये चल जाता है। पहले मैंने बताया गिनती पहले गिनती थोड़ी बढ़ाई है, गिनती 7 तक पहुंचाइए कम से कम जी 7, 14 ठीक है 5 वीडियो आवाज दोनों स्वामी जी का नेट ठीक लग रहा है कि डिस्टर्ब हो गया? चलिए ठीक है मेरा तो आंसर मिल गया। ना ठीक है एकदम सही है। हम तो अनुलोम विलोम 25 तक कर लेते हैं। हाँ बस ठीक है, मतलब भाई मेरा वही पूछना था कि 1 स्टेज ऑलरेडी तो कंफर्टेबल है तो 2 में चले जाए तो 7-14 इन्होंने बोल ही दिया स्वामी जी। स्वामी जी अगर आप सुन रहे हैं तो 7-14 स्वामी जी नहीं सुन रहे हैं, स्वामी जी जो आप बोल रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है, आज मृत्युंजय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, कोई बात नहीं। क्या हुआ शुरू में हम लोग जो स्टार्ट करते हैं ना तो फालतू का गप होता है तो मेरा सेटिंग रहता है ऑटो रिकॉर्डिंग का वो। अच्छा। हम शुरू में बंद कर दिए कि यार जो लोग आ रहे हैं वो हरिओम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। जब तुम्हारा मैसेज देखे हम चैट बॉक्स में तब बोले कि यार देखे क्या हुआ अरे तो बंद है, तुरंत हमने उसको चालू किया। ओह माय गॉड। तो एनीवे जो रिमेनिंग पार्ट है वो तो रिकॉर्ड हुआ ही है। अब तुमको प्राणायाम का बहुत जरूरत है, ये सब गड़बड़ी अब एज का प्रॉब्लम है, अब उसको दूर करो प्राणायाम करो और ये सब गड़बड़ी सही है। इसलिए तो हम ये करवा रहे हैं
कि थोड़ा मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव हो। ठीक है स्वामी जी, तो एकदम नहीं मृत्युंजय, क्या है वो वजह नहीं है, वजह क्या है कि हम महीने में 15 वेबिनार कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होने का वजह वो है। हाँ, अगर हम महीने में 2-4 करें हाँ, तब तो एकदम आई एम 100% फिट। कुछ इसके अलावा ना मेडिटेशन भी कुछ करना जरूरी है अलग से। वो हम करते हैं, वो हम डेली हाँ, करते हैं। बस बस, अरे ये तो तुमको याद होगा मृत्युंजय, कॉलेज में ही एक एके सिंह था औरंगाबाद का, उसी ने हमको योगा सिखाया था। अच्छा, स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आ गए। हाँ, तो स्वामी जी हम लोग ठीक है, हरिओम। आज का हरिओम करें, अब फिर हम लोग मिलेंगे अगले सोमवार को शाम को 7 बजे। ठीक है, हरिओम 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 सभी को, हरिओम। चलिए, और ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग का लिंक। धन्यवाद सबको, नमस्कार, धन्यवाद सबको, नमस्कार सबको, धन्यवाद सबको, हरिओम, नमस्कार, हरिओम हरिओम हरिओम।